हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, एक नेल पेंट से घर के ढेरों कपड़े प्रेस करिए बिना बिजली के खर्च के। तो आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो पहले टिप्स हमारी है इस तरह की, दूध को लेकर के। जैसे कि दूध का पैकेट होता है, जब भी हम कभी कहीं अचानक से जाना पड़ जाता है और हमें बॉईल करने का समय नहीं होता है और पैकेट खुला होता है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक रबड़ ले लीजिए, पतली सी रबड़ ले करके इस पर हम लगा देंगे। उसके बाद आप इसको कहीं भी रखेंगे तो आपका दूध गिरेगा नहीं, और फिर जब आएँ तो आप अपने दूध को गर्म कर सकते हैं। देखिए, इसको कहीं भी इस तरह से रखेंगे, एक बूंद भी दूध आपका नीचे नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हमारे बाथरूम की बाल्टी हुई, टब हुआ, तो इस पे जो पानी की परत होती है बहुत तेज़ी से जम जाती है जब भी हम इसको, फिर यही होता है, मन नहीं करता इसको यूज़ करने का, यही होता है हटा दो इसको। तो इसके लिए आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं, जिससे कि आपकी बाल्टी हो या मग्घा हो, टब हो, कोई चीज़ में भी इस तरह से पानी की जो वाइट वाली परत जम जाती है वो कभी नहीं जमेगी, आपका बर्तन नया का नया ही रहेगा। तो जैसे कि जब भी नया बाल्टी लेकर के आएँ या टब लेकर के आएँ या मग्घा हो, जो भी लेकर के आएँ, तो सबसे पहला काम यही करिए कि जो हमारा नारियल का तेल होता है उसको आप ले लीजिए। इसमें पानी में इतनी, जैसे कभी कहीं कहीं का पानी बहुत ज़्यादा ही खारा होता है, जिससे कि हमारे बर्तनों पे बहुत जल्दी से लगता है। तो इस तरह से इस पर हम थोड़ा सा नारियल का तेल ले लीजिए। कोई भी तेल आपके पास हो, जो भी आप तेल यूज़ करते हैं अपने बालों में लगाने के लिए, आप वो ले लीजिए। बस कड़वा तेल छोड़ करके आप कोई भी तेल ऑयल इस पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस पे लगा देंगे, इस पूरे पे अच्छे से लगा देना है। उसके बाद में आप इसको बाथरूम में रख करके यूज करिए। इस पे एक बूंद भी पानी नहीं रुकेगा। जब पानी नहीं रुकेगा तो आपके बर्तन पे ये बिल्कुल भी लेयर नहीं जमेगी और आपका बर्तन हमेशा नया का नया रहेगा। तो देखिए, इस तरह से इस पे पूरे पे अच्छे से इस पे अप्लाई कर देना है, तेल को एक परत सी लगा देनी है। उसके बाद में आप देखेंगे, अभी हम आपको रिजल्ट सामने दिखाते हैं कि इस पे एक बूंद भी पानी नहीं रुकेगा, क्योंकि ऑयल में चिकनापन होता है जिससे कि हमारे बर्तन पे पानी नहीं रुकेगा। और जब पानी नहीं रुकेगा तो इस पे जो हमारा पानी का इसमें जो होता है वो इस पे चिपकेगा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है, लेकिन ये आप लोगों के लिए ज़रूर यूजफुल होगी, क्योंकि बर्तन पे जब ये सफ़ेद सफ़ेद परत जम जाती है तो यही बस यही मन होता है कि इसको हम हटा ही दें। तो देखिए, हम दोनों साइड में आपको पानी डाल के दिखाएं, ना अंदर में पानी रुकता है ना बाहर में, कहीं भी पानी रहेगा तो वो, और इसका ये काम आप हफ्ते में एक बार ज़रूर करिए, जिससे कि आपका बर्तन नया का नया रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हम एक प्याज ले लीजिए, सबसे पहले तो इसको ऊपर से और नीचे से इस तरह से काट दीजिए। उसके बाद में प्याज को पूरा छील करके पतला वाला छिलका सिर्फ हटा देना है, बाकी नहीं हटाना है। तो इस तरह से देखिए, पूरा प्याज हम छील लिए हैं। अब इसको हम पहले तो कट करेंगे। अब यही आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये इसका जो है क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करिए, सिर्फ इसके दो टुकड़े कर लीजिए, आधा प्याज आप रख लीजिए, अपने काम में यूज में ला सकते हैं। इस तरह से इसकी जो लेयर है, इसको सबसे पहले तो इस एक एक लेयर इसको अलग कर लेते हैं। अब अलग करने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे वो भी आप लोग एंड तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दे दिया करें। आप लोग वीडियो वॉच तो करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और फिर यही होता है आधी अधूरी वीडियो देख करके फिर बाद में आप लोग की समझ में नहीं आता है कि हम इससे क्या करेंगे। अब ले लीजिए कोई भी कोलगेट हो या कोई भी आपके पास जो टूथब्रश यूज करते हैं पेस्ट, वही वाला ले लीजिए, बस गीला वाला होना चाहिए। अब इस तरह से थोड़ा सा ले करके इसमें हम पूरे पे इस तरह से पूरे पे लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा लगा करके, क्योंकि प्याज की स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है और जो हमारा मंजन है इससे भी आपके दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। और फिर ले लेंगे हम जो डिटॉल होता है, डिटॉल की एक बूंद डाल करके फिर पूरे पे इस पर हमें लगा देना है। देखिए, इस तरह से एक में ले लीजिए और फिर जितने भी हम लेयर बना करके रखे हैं उन्हीं पे इस पर हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से उंगली से लगाते चले जाएंगे। अब ये तीनों चीज़ें मिल करके आपके घर में जितनी भी छिपकलियाँ होंगी, कहीं भी आप जहाँ से लगे कि यहाँ से छिपकली आती है वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। नहीं तो क्या करिए, सुई धागा ले लीजिए और सुई धागा ले करके इसका एक के ऊपर एक फंसाते हुए चले जाइए। देखिए, इस तरह से एक के ऊपर एक इसको हम लगा देते हैं, और उसके बाद में आप इस पर
एक गांठ लगा करके फिर इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए जहाँ से लगे कि यहाँ से छिपकली बहुत ज़्यादा आती है। तो देखिए ये इसकी खुशबू से आपके घर में एक भी छिपकली नहीं दिखाई देगी, सारी की सारी बाहर हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे हो या बड़े हों छिपकली से हर किसी को डर लगता है। तो देखिए इसको हमने इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। अब इसमें हम ऊपर में दोनों धागों में एक साइड में गांठ लगा देंगे और फिर इसको हैंग करने के लिए बना देते हैं। तो बस इतना बड़ा ही धागा चाहिए, अगर बड़ा बनाना है तो आप बड़ी बना करके टांग सकते हैं। अब सीजर की सहायता से इस धागे को कट कर दीजिए और फिर इसको जहाँ सबसे ज़्यादा विंडो के पास से या किचन में हमारे सबसे ज़्यादा आती हैं छिपकली, तो आप इसको किचन में ही सबसे पहले टांग दीजिए। फिर देखेंगे, आप एक बार इसको यूज करेंगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि इसको हम यूज करने से हमारे घर में छिपकली आती भी है कि नहीं, क्योंकि ये हम हमेशा यूज करते हैं। इसीलिए आप लोगों के साथ में यही उम्मीद रहती है कि ऐसी टिप्स लेकर के आएँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल हो और आपके काम को आसान भी कर दे। तो बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि हमारी बहुत ही यूजफुल है कि बिना बिजली के बिना उसके हम प्रेस कैसे करेंगे। क्या होता है, जब भी हम प्रेस करने बैठते हैं तो हमारी जो प्रेस होती है, जैसे कि शर्ट, सबसे ज़्यादा शर्ट में दिक्कत होती है, जो ये बटन होते हैं जब प्रेस करने लगो तो बार बार हमारी प्रेस में फंसने लगते हैं। इससे हमें काफ़ी टाइम लग जाता है और हमारा प्रेस भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो चलिए आज हम उसके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर के आए। जैसे कि देखिए, जब भी प्रेस करते हैं तो इसमें ये जब फंस जाती है तो हमारी प्रेस चलाने में हमको दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप क्या करिए, जो नेल पेंट होती है उसका ढक्कन ले लीजिए, ऊपर का ढक्कन ही चाहिए। जैसे कभी हो जाता है कि सूख गई नेल पेंट, ख़राब हो गई, अब इस ढक्कन को आप फेंकने के बजाय इसको अपने पास रख लीजिए। जब भी प्रेस करने बैठें तो इस तरह से जो हमारा बटन है उस हिस्से पर इस तरह से रख करके उसके बाद आप प्रेस कर देंगे तो आपका शर्ट भी आसानी से प्रेस हो जाएगा। उसके बाद में पूरे शर्ट को आप आराम से प्रेस कर सकते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम की है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। कभी कभी होता है ड्रेस जो होती है और खुद को समय नहीं मिल पाता तो बच्चे ही प्रेस करने लगते हैं, तो वो भी उनको भी बहुत ही दिक्कत होती है। तो उनको भी बता दीजिए कि इस तरह से छोटा सा ढक्कन ले करके उसके बाद में आप प्रेस करेंगे तो चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स अपना करके आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। नहीं तो बार बार इसको अगर हम करेंगे तो बटन में फंसने की वजह से हमें बहुत समय लगता है और हमारी बिजली भी बहुत ज़्यादा खर्चा होती है। तो आज की टिप्स में आप लोगों को कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं फिर आऊँगी इसी तरह की नई नई टिप्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय।